ये इससे दिखाई ना तो इंट्रो वगैरह तो तुमने देख ही लिया होगा, तुम सोच रहे हो ये क्या सीन है, ये सीन एंडेड कहाँ से आ गया अचानक से। एक्चुअली गाइज ये एक साल पहले की वीडियो है, ये मैंने उस टाइम पे डाली नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मेरे पास मैं अपना GoPro चेक कर रहा था एंड अचानक से मुझे ये दिख गई एंड मैंने सोचा यार क्यों नहीं इसको हम डाल देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था ना उसको वीडियो को वीलीज वगैरह मार रहा था ये वगैरह वगैरह, तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा सा लगा यार देख के कि अपनी Z900 पे वीलीज वगैरह मारा करते थे, कितना ज़्यादा मज़ा आया करता था। तो चलो नो वरीज यार, मैंने सोचा अभी डाल देता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यार, बाकी अच्छी लगेगी गाइस तो तुम लाइक कर देना, बाकी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एंड गाइस उसी के साथ एक और अपडेट दे दूँ तुम्हें, मैं इतने दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज यार मैं एक बाइक परचेज करने का सोच रहा हूँ, वो कौन सी बाइक है तो होपफुली हो गया तो एक दो दिन में तुम्हें पता चल ही जाएगा, बट इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था बिकॉज मैं थोड़ा सा इधर उधर बिजी था। बाकी गाइस तुम देखो हमारे पुराने दिन कैसे हुआ करते थे एंड कितना मजा आया करता था यार जब हमारे पास Z900 थी। सो अभी तुम वीडियो को पूरा एंजॉय करना, अच्छे से देखना गाइस, स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें। एंड कुछ दिन के बाद हम चंडीगढ़ भी निकलने वाले, अभी मैं अकेला हूँ, शायद एक दो बंदों का और अगर प्लान बनेगा तो फिर हम चंडीगढ़ निकल जाएंगे एंड चंडीगढ़ में राइड करेंगे बहुत मजे से गाइस, बहुत ज्यादा मजा आएगा ठीक है। सो चलो अभी फिलहाल वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई डोंट नो कल व्लॉग आएगा नहीं आएगा, मतलब मैं आजकल बहुत ज्यादा आलसी हो गया हूँ यार, कल सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो अब फिलहाल देख रहा हूँ न्यू बाइक का, देख रहा हूँ अगर न्यू बाइक का सीन हमारा हो जाता है कल या परसों तक तो फिर हमारे डेली व्लॉग्स आएंगे, अगर हमारा होता है कल परसों तक तो फिर हमारे डेली व्लॉग्स आएंगे, वरना तो भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सो चलो नो वरीज, बाकी आप वीडियो एंजॉय करो, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर से कर देना, कमेंट जरूर से करना बिकॉज हमारी Z900 वाली वीडियो है ठीक है। चलो मिलते हैं आपको वीडियो में। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, क्या हाल है गाइस तुम सब का, आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। सो गाइस एज यूजुअल निकल चुके हैं अपनी Z को लेकर, सो अब सीन कुछ ऐसा है, अब हम दोबारा से Z900 को लेके आने वाले अपने साथ और BS4 वर्सेस BS6 करेंगे एक ड्रैग ठीक है, एंड भाई मैं वो राइड करके भी तुम्हें बताऊंगा एंड उसमें TFT दिया हुआ है और उसके राइडिंग मोड्स वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, कहाँ से ऑफरोड होता है क्या है और उसमें क्या है ज्यादा इस चीज से क्या ज्यादा है उसमें, तो वो सब चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो भी जल्दी आएगा। अभी फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है गाइस, अभी निकल रहा हूँ मैं डायरेक्ट सिधरा की ओर, अभी का सीन कुछ ऐसा है अभी निकल रहा हूँ मैं डायरेक्ट सिधरा की ओर, फोन आया था एक्चुअली उसका कुछ दिन पहले क्रैश हो गया था, तुमने वीडियो वगैरह तो देखा होगा कि उसको पट्टी चट्टी कर रहा था मैं, देन उसके बाद सीन कुछ ऐसा हो गया कि वो आया नहीं बिकॉज उसको वो छिलके निकल गए थे उसके गाइस, जैसे आप केले के छिलके निकालते हो ना वैसे उसके छिलके निकल गए थे, तो आज वो फाइनली आ रहा है बड़े दिनों के बाद, तो आज बनाते हैं एक मस्त सा व्लॉग, तूफानी व्लॉग, तुम्हें पता है यार हमारे चैनल पर तूफानी मिलेगा तुम्हें। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं, क्या पता वो आ गया होगा या मुझे वेट करना पड़ेगा, जो भी होगा सीन देखते हैं गाइस, वो तो हमें पहुंच के ही पता चलेगा, फिलहाल तो हम चल ही रहे हैं गाइस ठीक है। एंड गाइस तुम सोच रहे होगे मैं स्लो 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 इतना स्लो स्लो क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज यार मेरे टायर्स ना दोनों खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही माइनर सी ग्रिप बची हुई है ना, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। सो अब विद इन डेज में मैं टायर भी चेंज करने वाला हूँ दोनों, दो या तीन दिन में, तो तुम्हें एक बर्नआउट देखने को भी मिलेगा। सो कमेंट करके बताना अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर बर्नआउट मारूँ Z900 पे। Guys, let's try a wheelie. देख रहे हैं भाई
पॉप करते करते चल रहा था और पीछे से तब तक इसने हमें फ्लाई बाय दे दी यार। कौन ये दिखा रहा था? क्यों भाई आपने मिडिल फिंगर दिखाई? आपने मिडिल फिंगर दिखाई इसको? अभी मिडिल फिंगर दिखाई? ये इसने दिखाई ना? वीडियो है मेरे पास, तो पूछ लेते ना, एंजॉय कर रहे। कोई चक्कर नहीं, इसने आंख ऐसे करके किया। नहीं भाई ऐसे किया होगा। भाई भाई वीडियो है, वीडियो है, किया ना भाई? मैं झूठ बोलूंगा तो मैं झूठ बोलूंगा। ऑन द कैमरा हमने क्यों दिखा दिया यार? नहीं दिखाई, हम बोल रहे हैं अगर ऐसे मत बोलो। बाय चांस अगर हुआ भी होगा ना तो हम एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कोई मूवमेंट बट ऐसा कुछ भी नहीं। आपने हमारा कोई सीन नहीं है, हम भी लोकल है। हमारा हम भी लोकल है, ऐसा बोल दिया। हम भी लोकल है आराम से, एक तो हमने दिखाई नहीं। हाँ ठीक है, फायदा नहीं, हमें वजह नहीं दिखाने की। वो तो वही मैं सोच रहा हूँ ना, हमारे से सीन तो वही ना। अब आप ऐसे रोक रहे हो गाड़ी तो ये भी थोड़ा गलत है। नहीं भाई हुआ तब तब नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जहा तो हम दिखा दो, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। आपके पास है तो दिखा दो। हुआ तो सही ना यार, हाँ बस ऐसे नहीं होता ना, हम आपसे मार दो। A few moments later. की तैयारी है गाइस। ओहो ज्यादा उड़ गई। ओ चल चल धंधो, शाबाश, क्या उड़ी है धंधो, क्या उड़ी है, क्या उड़ी यार। कभी कभी मैं इसको धंधो बोल देता हूँ यार, प्रेशर प्रेशर में आके कसम से। मेरा गियर अटक जाता है यार, शिट हो जाता है। डर गया भाई मैं। A few moments later. Well guys, आज का वीडियो इतना, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड गाइज जो मैंने तुम्हें कहा था, जो जो यहाँ तक देख रहा है गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिल से, थैंक यू यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है। बाकी गाइज लास्ट में बोलने का यही मतलब है कि अगर हमारी बाइक आती है कुछ दिनों में, लाइक एक या दो दिन में, तो हम कंटिन्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। से भी मेरा चंडीगढ़ का प्लान बन रहा है, तो आई थिंक मैं सेल कर रहा हूँ, आई थिंक मैं अपनी 200 को सेल करने वाला हूँ, मतलब विद इन अ डे और टू मैं सेल कर रहा हूँ अपनी 200 को। चलो देखते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, बट चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गाइज हमको। बाकी चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।